नमस्कार, मैं हूं तोरण और आप देख रहे तत्काल न्यूज लाइव। आगरा कानपुर हाईवे पर गुरुवार तड़के भीषण सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। एतमा उद्दोला इलाके में यह हादसा उस वक्त हुआ जब झारखंड नंबर की एक स्कॉर्पियो कंटेनर में घुस गई। हादसा इतना भीषण था कि स्कॉर्पियो सवार 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने इलाज के दौरान ही दम तोड़ दिया। टकराने के बाद जोरदार आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। हादसे की सूचना पुलिस को दी गई। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से स्कॉर्पियो में फंसे लोगों को बाहर निकाला। सभी घायलों को गंभीर हालत में SN इमरजेंसी में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक प्रथम दृष्टया ड्राइवर को झपकी आने की वजह से होने की आशंका है। स्कॉर्पियो का नंबर JH13D5029 है। सभी मृतक व घायल बिहार के गया जिले के निवासी है। मृतकों की शिनाख्त गुड्डू कुमार, बबलू प्रजापति, विकास कुमार, नागेंद्र कुमार, राजेश, सुरेंद्र कुमार, ड्राइवर अनिल, अमन और विपिन के रूप में हुई है। गंभीर रूप से घायल सुजीत, सूरज देव और छोटू का इलाज SN मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। बताया जा रहा है कि यह हादसा तड़के 5:15 में हुआ है। SP सिटी रोहन पी बोत्रे की एतमादपुर की ओर से आ रही स्कॉर्पियो गाड़ी अचानक बेकाबू होकर डिवाइडर पर चढ़ने के बाद रॉन्ग साइड पहुंच गई। इस बीच रामबाग की ओर से कंटेनर आ गया और दोनों में जोरदार टक्कर हो गई। स्कॉर्पियो में टक्कर मारने के बाद कंटेनर छोड़कर चालक और क्लीनर मौके से फरार हो गए। हादसे में स्कॉर्पियो क्षतिग्रस्त हो गई और इसमें सवार लोग फंस गए। लोगों ने स्कॉर्पियो में फंसे 4 घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचा दिया। मौके पर पुलिस के पहुंचने के बाद स्कॉर्पियो की बॉडी तोड़कर अन्य लोगों को निकालने की कोशिश की गई। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद स्कॉर्पियो में फंसे अन्य लोग निकल सके।